पहली पार्टी होगी जिसने हजारों करोड़ रुपए का एक शानदार कार्यालय 5 साल के पहले पहले बना करके खड़ा कर दिया। ये पैसा कहां से आया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। 2014 में देश की प्रबुद्ध जनता ने इनकी बातों को मानते हुए चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, मगर विकास होते होते विकास तो पैदा नहीं हुआ, चौकीदार जरूर पैदा हो गया। और उन चौकीदार के रहते हुए जिन मैंने आपको संस्थानों का जिक्र करा, चाहे वो आरबीआई को ले लीजिए, चाहे आप ONGC को ले लीजिए, चाहे आप BSNL को ले लीजिए, वो संस्थाएं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सुसंपन्न थीं, आज वो सब कर्जे के अंदर कैसे आ गई। ऐसी चौकीदारी किस काम की कि जहां हम माला माल हैं वहां तो हो जाए खोखले और हम कहें कि हम चौकीदारी कर रहे हैं। देश को चौकीदार ऐसा चाहिए कि वो अपने संस्थानों को और मजबूत करे, आर्थिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। मगर ये 5 साल के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला। संकल्प पत्रों में इनका कहीं कोई जवाब नहीं, 35A के ऊपर इनका कोई ख्याल नहीं है। कॉमन सिविल कोड की इन्होंने बात की थी कि हम कॉमन सिविल कोड जो है जारी करेंगे, उस कॉमन सिविल कोड का भी कहीं जिक्र ये करते नहीं। जितने भी इनके चुनावी प्रचार के दौरान भाषण हैं, उन भाषणों को आप उठा करके देख लीजिए, 5 साल में कोई विकास की उपलब्धि ये गिनाते हुए नजर नहीं आते। सेना के अपमान की ये बात करते हैं। दोस्तों, देश में 70 साल का लोकतंत्र परिपक्व हो गया और 70 साल के इतिहास में कभी भी सेना का जवान किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, मगर वाराणसी के अंदर सेना का एक जवान मोदी जी के खिलाफ चुनाव के अंदर अपना नामांकन डाल चुका है। सेना अपमानित किधर से हो रही है, ये एक नामांकन पत्र इस बात की परिभाषा देता है और प्रमाण देता है, पुख्ता सबूत देता है कि कथनी अलग है, करनी अलग है। तो मैंने कहा ना जैसा कि राष्ट्रवाद और सेना की चाशनी के अंदर जो मीठा सत्ता का सुख ये वापस भोगना चाहते हैं, देश की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। कोई ब्लूप्रिंट लेकर के ये नहीं आए अपने संकल्प पत्र के अंदर के ये करना क्या चाहते हैं, सिर्फ लोगों को भावनाओं उकेर करके कि किस तरीके से हम वापस सत्ता के अंदर आ जाएं। जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरीके की भी भाषा का इस्तेमाल ये करना चाहते हैं, वो इस्तेमाल करने सिर्फ किस लिए कि येन केन प्रकारेण उन्हें वापस सत्ता के ऊपर काबिज होना है। आप देखते होंगे स्कूल के अंदर, आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, चाय वाला फकीर, संत, चौकीदार, ये सब कौन है इस देश में से? ये सब एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। जितनी उपमाएं हैं वो सब इन्हीं के लिए हैं। गरीब आदमी के लिए क्या है कि तू पकौड़े बना, नाले की गैस से चाय बना, इस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण पेश किया देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने। इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अभी रेलवे के अंदर एक नौकरी का आप सब ने देखा कि 1 लाख कितनी जो है रिक्तियां हैं, उनके लिए 1 करोड़ और कुछ लाख आवेदन पत्र आए हैं। ये 5 साल के रोजगार सृजन का प्रमाण पत्र है। झूठ के पुलिंदे के साथ में ये बैठे थे और झूठ के पुलिंदे के साथ ही ये रुखसत होंगे इन चुनावों के अंदर। 2 चरणों के मतदान में मतदाताओं का जो ट्रेंड इनकी पार्टी के राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा है, उससे इनकी जमीन खिसक गई है।
और इन लोगों ने उसके बाद से, जैसे मैंने कहा कि जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने ओछी राजनीति करना शुरू किया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावों के इतिहास में ये समय आने वाली पीढ़ी याद रखेगी एक बुरे दौर के रूप में, कि मर्यादाओं का जिस तरीके से हनन और भाषा की अश्लीलता और निम्नतम स्तर का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा करा जा रहा है, ये भी काबिले गौर है। आखिर ये हताशा क्यों, ये निराशा क्यों? अगर आपने 5 साल काम किया तो आपको तो और सुसभ्य होना चाहिए था। अगर आपने अच्छे दिनों की बात की थी तो आपको तो सीना ठोक करके मैदान के अंदर उन अच्छे दिनों को गिनाना चाहिए था। उनकी बात करें तो हम देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति प्रमाणन बोर्ड का कार्यालय बन गई, वो प्रमाण दे रही है कि कौन भारतीय देशभक्त है, उनके साथ में हामी में हाँ मिला दो तो आप देशभक्त हैं। आपने जरा सा भी अपनी अभिव्यक्ति जो संविधान प्रदत्त है उसका प्रयोग कर लिया तो आप संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भी देशद्रोही हैं। ये कौन सी परिभाषा है, ये कौन सी नए संस्कार और नई शैली राजनीति के अंदर पैदा करी जा रही है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है और एक बड़ा अद्भुत योजना लेकर के आ रहे हैं, न्याय योजना, जिसके अंदर राहुल जी ने जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों से इसके ऊपर दोस्तों बाकायदा गहन विचार विमर्श हुआ है। और उस गहन विचार विमर्श के बाद में कि ये डुएबल भी है या नहीं, इनके 5 साल की उपलब्धियों पर मुझे शकील बदायूनी साहब का एक शेर याद आता है, कि कौन अमन के अंधेरे में खंजर चला रहा है, कि कौन अमन के अंधेरे में खंजर चला रहा है, करहाती डूबती सिसकती दिलों की आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। ये बदायूनी साहब का शेर 5 साल इस देश के हर मतदाता के ऊपर गुजरा है। अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई, रोजगार वाला आदमी बेरोजगार हो गया, आदमी खाने के लिए लाले पड़ गए। और अब मोदी जी राष्ट्रवाद और सेना की चाशनी के नाम पर वापस सत्ता का जो है मीठापन भोगना चाहते हैं। कोई काम भाषणों के अंदर उनके पास गिनाने को है नहीं। 2014 के अंदर 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालेंगे, एक आदमी भी वो आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते कि जिसके खाते के अंदर उन्होंने सांकेतिक रूप से भी 15 लाख रुपए डाल दिए हों। 2 करोड़ रोजगार सृजन हर साल करेंगे, वो मुद्रा योजना का और दूसरी योजनाओं का नाम लेते हैं, मगर जब उनसे कहते हैं कि भाई कोई आधिकारिक पात्र जो आपकी मुद्रा से लाभान्वित हुआ और वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया हो, ऐसे आंकड़े सरकार जारी क्यों नहीं करती? एक भी आदमी का नाम या कोई डाटा मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा रोजगार के नाम पर आज तक जारी नहीं करा गया। सबका साथ सबका विकास, अब कौन साथ से पीछे रह गया जो बैंकों की लाइन के अंदर लगे रहे? रातों रात नोटबंदी के फैसले, ये सरकार सारे फैसले रात में करती है, सारे काम अर्थव्यवस्था तोड़ने का, लोगों को बेरोजगार करने का, नोटबंदी करने का,
जितने फैसले हैं, जीएसटी लागू करने का, इन्होंने अंग्रेजों की याद दिलाई, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय मानसिकता का और आर्थिक व्यवस्था का शोषण किया था और रात को फैसले करते थे, उसी तरीके से इस सरकार ने भी लोगों की कमर तोड़ने के लिए और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए सारे फैसले रात में लिए और दिन के उजाले के अंदर लोग करहाते रहे, जैसे मैंने आपको कहा, लोग सिसकियां लेते रहे, लाइनों के अंदर लगे रहे। और इनके लोग जिन्होंने कहा था कि काला धन बाहर आएगा नोटबंदी के नाम पर, रिजर्व बैंक ने आंकड़ा दिया डेढ़ साल के बाद कि तकरीबन 99.9% पैसा वो वापस बैंकों के अंदर जमा हो गया। तो ये इनकी कौन सी नीति थी, कौन सा इनका सोच था, कौन सी दूरदर्शिता थी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने डुबोने का काम किया, उनकी अवमानना का काम किया, उनको दबा करके अपने अनुसार चलाने का काम किया। योजना आयोग का जो है इन्होंने समाप्त करके नीति आयोग बनाया। आरबीआई नोटबंदी के अंदर बिल्कुल तैयार नहीं थी, ये तो आरटीआई से भी जो है एक्टिविस्टों ने मालूम कर लिया कि आरटीआई के अंदर जवाब है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटबंदी के पक्ष में नहीं था, मगर सिर्फ तीन लोगों की तिकड़ी ने लोगों को परेशान कर दिया और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है। तो ऐसे तुगलकी फैसले इस सरकार ने 5 साल के अंदर लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2014 में BSNL के पास में करीबन 37,000 करोड़ रुपए का कैश था और 5 साल गुजरे हैं, अभी 8,500 करोड़ के कर्जे के अंदर है और 2 महीने से BSNL के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हार्ड कैश रखने वाली अगर कोई हमारी संस्था थी तो ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC जो है वो हमारी सबसे बड़ी जो है पब्लिक अंडरटेकिंग की संस्थान थी, जिसके पास में हाँ जो नवरत्नों के अंदर गिना जाती थी। आज वो भी कर्जे के अंदर है, वो भी तनख्वाह नहीं बांट पा रहे। कौन से संस्थानों का विकास किया, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गड़बड़ाई, कौन से निर्णय थे, इनका लेखा जोखा इनके संकल्प पत्र में नहीं है, इनका कोई पश्चाताप नहीं है। इन्होंने कहा था हम धारा 370 हटा देंगे, धारा 370 के ऊपर कोई कार्रवाई है नहीं करते। राम मंदिर हम बना देंगे, जैसे कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं ना, 84 से लेके अब तक तारीखें ही पड़ रही हैं, 2019 आ गया और अभी भी कब बनेगा इसका कोई ठोस प्लान देश के उन नागरिकों को ये नहीं दे रहे जिनको इन्होंने 2014 में कहा था कि हमें सत्ता पर बिठा दो, आते के साथ ही सबसे पहले हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश यात्राओं पर सबसे ज़्यादा देश का खजाना खर्च हुआ है, आम गरीब आदमी और टैक्स पेयर्स का पैसा जो विकास के लिए खर्च होना चाहिए था वो विकास के ऊपर तो खर्च हुआ नहीं, मगर पर्यटन के ऊपर जरूर खर्च हुआ। मोदी जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम का विदेश में बड़ा डंका बज रहा है। अरे भाई, तुम वहां तो डंका बजा रहे हो मगर यहां तो तुम्हारा डंक जनता को ढस रहा है। यहां तो मोदी के नाम के डंक से लोग पीड़ित हैं, करहा रहे हैं। तो ऐसा डंका किस काम का कि जो घर में तो हो जावे डंक और बाहर बजे डंका। आपने कहा था हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, आपने तो देश को ही पीछे छोड़ दिया। आपको भाजपा के अब तक सारे झूठ गिनाए कि भाजपा ने अच्छे नाम के दिन पर जितने झूठ परोसे और जो संकल्प पत्र में फिर एक झूठों का पिटारा पैदा किया, हम उस झूठ की राजनीति को नकारते हैं। और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि जो हकीकत है
और जो पूरा किया जा सकता है वो बातें हम अपने अपने घोषणा पत्र के अंदर हम लेकर के आए हैं। और ये 72,000 रुपया जो देश की आबादी का 20% सबसे अधिक गरीबी की रेखा में आदमी जी रहा है, उसको हम 6,000 रुपया महीना, वो भी उसके महिला जो मुखिया होगी घर की, उसके खाते में 6,000 रुपया महीना हम डालेंगे ताकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर बढ़े। और दोस्तों ये कुल जीडीपी का, जो देश की जीडीपी होगी उस जीडीपी का सिर्फ 1.5% होगा, कोई अतिरिक्त खर्चा उसके ऊपर आने वाला नहीं है। और जो मध्यम वर्ग है उस मध्यम वर्ग के ऊपर कांग्रेस की सरकार किसी प्रकार का इस योजना को पूरा करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाएगी, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैनेजेबल है, वर्केबल है, डूएबल है। ये ख्वाब नहीं दिखा रहे, ये हम करेंगे, ये हमारा वादा है, ये राहुल जी का वादा है कि 6,000 रुपया महीना जो है हम इसके अंदर करेंगे। दुनिया जब जबरदस्त आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी उस समय पूरा विश्व सिर्फ भारत की तरफ देख रहा था कि भारत की ये स्थिति क्या होने वाली है, और पूरे विश्व ने इस बात को साक्षात देखा कि उस आर्थिक मंदी के जबरदस्त दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिक को पता ही नहीं पड़ा कि कैसे वो दौर निकल गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की जो सरकार थी उसने मनरेगा योजना लागू की थी, और उस मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी थी। जिन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने की बात की उन्होंने तो पैदा नहीं किए, मगर यूपीए सरकार ने कानूनन अधिकार दिया, गारंटी दी रोजगार की, और उस मनरेगा योजना से 100 दिन का लोगों को रोजगार मिलता रहा, जिसकी वजह से उस भयंकर विश्व की आर्थिक मंदी के दौर में भी हम लोग घबराए नहीं, हो बल्कि पता ही नहीं पड़ा कि भाई किस तरीके से वो वक्त निकला। उस मनरेगा योजना के अंदर 100 दिन को बढ़ा करके 150 दिन रोजगार का आम आदमी को अधिकार देने की बात कांग्रेस कर रही है। राहुल जी ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे देश के नौजवानों से, जितनी सरकारी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को 2020 तक हम भरेंगे। 24 लाख नौकरियां देने का एक स्पष्ट और यथार्थवादी वादा वो कांग्रेस नेतृत्व ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया कि हम 2020 तक जो है 24 लाख नौकरियां उपलब्ध करा देंगे, उन खाली जगहों को हम भर देंगे। जिस जीएसटी को इन्होंने 3 बार के अंदर अंधाधुंध तरीके से लागू की, फिर बाद में जैसे जैसे परिणाम इनको भोगने पड़े वैसे वैसे उसके अंदर रियायतें दे करके उसको रिस्ट्रक्चर करते रहे, और उस रिस्ट्रक्चर के बावजूद भी अभी भी 3 तरीके का कर जो कि बहुत ज़्यादा है, उसमें पेट्रोल और डीजल को लाने में अभी भी मना कर रहे हैं। आम नागरिक देश का जो है रोज उसकी कमर के ऊपर आर्थिक डंडा पड़ता डीजल पेट्रोल का, पता ही नहीं पड़ रहा कि 1 महीने के अंदर कितने रुपए जो है बढ़ जाते हैं, जो 2014 के अंदर 54 और 64 रुपए डीजल और पेट्रोल की दरें थी वो आज 80 रुपए और 85 रुपए तक जा चुकी हैं, दोनों डबल हो चुकी हैं। गैस की कीमतें डबल हो चुकी जो 2014 में थी। हम 2 साल के अंदर अंदर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे के अंदर लाएंगे, ये बात हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर की है। हमने बात की है कि हम एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि ताकि आम गृहिणियों के ऊपर कोई बोझ ना पड़े गैस सिलेंडर का, और उसकी कीमतें नियंत्रित हों। उन कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हम एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात इसके अंदर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अभिनव प्रयोग होगा देश में पहली बार,
अब तक तो देश की आज़ादी के बाद से आप और हम सब जानते हैं कि देश की उन्नति में और आर्थिक विकास में, संसाधनों के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस योगदान को पूरा करने के लिए रेलवे का अलग से बजट लाया जाता था। हम बात कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लेकर के आएंगे। आज तकरीबन 90 करोड़ आबादी इस देश की जो है वो किसान परिवारों से जुड़ी हुई है, तो हम उन 90 करोड़ लोगों के लिए इस देश के बजट का किस तरीके से खर्च करा जाना है, ये एक बहुत बड़ा जो है हम बात कर रहे हैं कि हम अलग से किसानों का एक बजट लेकर के आएंगे। देश का और किसानों का भविष्य ही बदल करके इस प्रयोग से आपको देखने को मिलेगा। तो जो यथार्थ है, जो सच है और जिसको हम पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम योजनाएं हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर रखी हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से हम जनता को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से अच्छे दिनों की बात करके और 5 साल के जो सबसे बुरे दिन इस देश के आम नागरिकों के निकले हैं, उनसे छुटकारा पाने का ये वक्त है। इन्होंने तो जो हमारी संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी कुठाराघात किया है। जो कलम के धनी है उन कलम के धनियों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ है। हम भयमुक्त भारत के निर्माण में और सबके चहुंमुखी विकास के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ ले जाते हुए, और सबको हम बात कर रहे हैं राइट टू हेल्थ की भी, हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर बात की है कि हम सबको स्वास्थ्य का अधिकार भी देंगे। और हमारे बजट का जो हम सालाना बजट पेश करेंगे, उस सालाना बजट का 6% ये अब तक का हाईएस्ट होगा। देश के आज़ादी के बाद या कह दें कि हम पहले बजट से लेकर के अब तक भी देखें तो 6% तक का बजट प्रोविज़न हेल्थ के ऊपर कभी नहीं रहा।